मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह, आया आया गोली आया। अरे ये खड़े खड़े सोच क्या रहा है? अरे ये तो बैठ गया, कहीं ये हमारा नाश्ता हड़पने का तो नहीं सोच रहा है? अरे हाँ, ये तो ए, ए, गोली, ए, ए। क्या कर रहे? क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? ओ नाश्ता हमारा है, मम्मी ने हमारे लिए दिया है ना बेटा। हाँ हाँ, तो नाश्ता लेके बैठ क्यों गया? जल्दी ऊपर लेके आ। वो जेठा अंकल, मैं बस चेक कर रहा था कि मम्मी ने क्वांटिटी तो सही से भरी है ना। नहीं नहीं बेटा, सब सब बराबर है, कोई चेक करने की जरूरत, बिना चेक किया नाश्ता ऊपर लेके आ बेटा। हाँ जल्दी। जी जी, चल चल बेटा, लेट हो रहा है मुझे दुकान जाने में, जल्दी कर बेटा, जल्दी जल्दी। बाबूजी आइए, नाश्ता करने बैठ जाइए। बाबूजी आइए। अरे पहले नाश्ता तो आ जाने दे। अरे गोली लेके आ रहा है, मैंने देखा बाबूजी, अभी वो आ रहा है, सीढ़ी चल रहा होगा, एक मिनट में पहुंच जाएगा। आइए आइए। अच्छा हाँ, तो चल चल। अरे जाके आइए, जाके आइए बाबूजी, जाके। हाय जेट अंकल। हाँ आया, ला ला ला। हाँ ये लीजिए। क्या हुआ? क्या इतना डर डर का डिब्बा क्यों दे रहा है? कुछ नहीं किया। अरे झूठ मत बोल। कमल भाभी ने क्या मेरा और बापूजी के लिए ये सिर्फ एक सैंडविच ढोकला और एक कचोरी भेजी? नहीं तो बाकी के ढोकले और कचोरी कहाँ है? सॉरी, मेरे पेट में गोली। यार तुझे बोला था ना नाश्ता हमारा है, कमल भाभी ने मेरे और बापूजी के लिए भेजा है, तू क्यों खा गया? चिटंगल, मेरा कोई कसूर नहीं। ओ, तो किसका कसूर है? मेरे नाक का। अच्छा, वो जेठा अंकल, मैं जब आपके घर आने के लिए आपके घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तब मेरे नाक ने गरम गरम कचोरी और सैंडविच ढोकला की खुशबू डिटेक्ट कर ली। मेरे नाक ने ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग तक पहुंचाई और मेरे दिमाग ने तुरंत मेरे हाथों को ऑर्डर दे दिया कि ये उठा और खा ले। और फिर एक सैंडविच ढोकला और एक कचोरी मेरे मुंह तक पहुंचे और मुंह के अंदर जाते ही मेरे दांत उसे चबाने लगे और देखते ही देखते सैंडविच ढोकला और कचोरी मेरे पेट तक पहुंच गई और फिर मैंने एक और सीढ़ी चढ़ी। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मेरी जबान ने मेरे दिमाग को कहा, ये कचोरी और सैंडविच ढोकला तो माइंड ब्लोइंग है, से एक एक से मेरा क्या होगा? लेकिन तभी दिमाग ने इंटरफेयर किया और बोला, ए ये जेठा अंकल के लिए और नहीं खा सकता। इतने में मेरी आंखें बोल पड़ी कि दिमाग भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रिलैक्स, बहुत है। दिमाग कन्विंस हो गया और दिमाग ने कहा, अच्छा तो ठीक है। मैं एक एक सीढ़ी चढ़ता गया और ये लोग मिलके एक एक सैंडविच ढोकला एक एक कचोरी मेरे मुंह तक पहुंचाते गए। तो ये बेचारे कैसे बच गए? मेरे दिल के वजह से। अच्छा, मेरा दिल ये सब पे गुस्सा हो गया। अरे सब पे मतलब किस पे? यही
मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरा दिमाग, मेरे हाथ और मेरी जुबान, ये सब पे मेरा दिल बहुत भड़क गया। क्या कर रहे हो तुम लोग, सब खा जाओगे क्या? अरे एक तो रखो जेठा अंकल के लिए। इसलिए मैं ये एक एक बचा कर लेके आया। इसे भी क्यों बचाया बेटा, ये भी खा लेता। अच्छा अरे तारा मां के दया माया जऊ छे के नहीं। हाश चल चल क्या, फटाफट नाश्ता लगा, बहुत भूख लगी है। गोली बेटा थैंक यू, और कोमल बेटी को भी थैंक यू बोला। ओके मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है, तू भी नाश्ता करने बैठ जा। हाँ तू भी बैठ हमारे साथ नाश्ता करने बेटा। ए? ए? ऐसे क्यों बोल रहे? सॉरी तू कहाँ जा रहा है बेटा, तू भी आजा नाश्ता करने हमारे साथ बैठ। आजा आजा बैठ।